एवरीवन, एक बढ़िया सा स्टॉक जिसके फंडामेंटल्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, इक्विटी वाइज बहुत ही छोटी कंपनी है जिसकी वजह से सप्लाई कम है, प्राइसेस और बढ़ सकते हैं और बढ़ रहे हैं और फंडामेंटल्स अच्छे लग रहे हैं जैसे मैंने बोला। बट सबसे अच्छी बात क्या है, रिजर्व्स बढ़ रहे हैं और यहाँ लग रहा है कि सेल्स भी इंटैक्ट है, रेवेन्यू भी इंटैक्ट है। करेंगे आज इसी तरीके के एक और बढ़िया से एनालिसिस। हाय एवरीवन, माय नेम इज विभोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आज आपको लेके चलूंगा एक और बढ़िया से टेक्नो फंडा एनालिसिस पे। 5-6 मिनट में बढ़िया सा डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे विद प्रॉपर लेवल्स के साथ। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन। यहाँ पर हम लोग, हमारी टीम वीडियोज वगैरह डालते हैं, निफ्टी के Q&A सेशन हम लोग बैक टू बैक करते हैं। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पर लास्ट वीक ही 3 मिनट 3 स्टॉक्स डाले थे जहां पर हम लोगों ने रुचिरा पेपर देखा, टाटा एलेक्सी देखा, लेमन ट्री देखा, तीनों ने बढ़िया मैसिव स्विंग ट्रेड दिया। चलते हैं आज के स्टॉक पे विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज जो स्टॉक पिक किया है वो है विधि स्पेशलिटी। अब स्टॉक क्यों पिक किया, एक तो वॉल्यूम्स लग रहा था जो लास्ट टाइम मतलब एज इन अगर मैं गेस करूं तो ऑलमोस्ट दिसंबर से लेकर वॉल्यूम अब पिकअप ले रहा है। प्लस जैसा कि मैं हर बार इनसाइड बार पे रिलाय करता हूं, यहां पर अगर मैं देखूं तो इस इनसाइड बार का बोलो, दारवास बॉक्स का बोलो, कंसोलिडेशन का बोलो, ये ऑलमोस्ट एक हफ्ते का ब्रेकआउट अब जाकर आया है। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात भी क्या लगी और उससे भी अच्छी बात, ये चीज नोटिस करना, ये जो कैंडल है जहां से लास्ट टाइम स्टॉक जनवरी में रिवर्स हुआ था, स्टॉक अब उसके ऊपर पॉजिटिव क्लोजिंग देकर गया है। अगर आप चाहो तो इसको इस तरीके से भी ट्रीट कर सकते हो, लेफ्ट शोल्डर, हेड, राइट शोल्डर और ये नेकलाइन के ऊपर ब्रेकआउट, कप एंड हैंडल बोलो, फ्लैग बोलो, अप ट्रेंड बोलो, ब्रेकआउट बोलो, ऑल दी गिव्स, ऑल दी सेज की भाई यहां पर मेरे को बाय पोजीशन बनानी है। अब क्वेश्चन ये है कि ये जो स्टॉक इतना भाग रहा है, अगर मैं यहां से देखूं तो ऑलमोस्ट 100 से लेकर स्टॉक 450 तक आ गया, क्यों, क्वेश्चन मार्क क्यों। उसके लिए हम लोग एक फंडामेंटल चेक कर लेते हैं जल्दी से। अगर मैं यहां फंडामेंटल चेक देखता हूं तो प्रमोटर के पास 64.27 कॉन्स्टेंट होल्डिंग है विदाउट एनी प्लेज, ठीक क्राइटेरिया में बैठता है। FII के पास ऑलमोस्ट निल, DII ऑलमोस्ट निल, पब्लिक होल्डिंग्स 35%। अब क्वेश्चन है कि पब्लिक होल्डिंग में किसी का कुछ नाम सामने आया, अगर हम यहाँ बात करें तो मुकुल अग्रवाल 1.84, चेतन शाह 1.58, गीता शाह 1.23 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोबेबली मेरे पास 4-5% ऐसा है जो फ्री फ्लोट में अवेलेबल नहीं है। ठीक है, अगर नेक्स्ट पार्ट पे जाते हैं, अगर हम एक बार इस कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स, सेल्स, पैट और बैलेंस शीट पे नजर मारते हैं जल्दी से, तो यहां पर सेल्स का जो एक पैटर्न देखने को मिल रहा है, ध्यान से देखना, 80 करोड़, 97, 103, 127, 160, 5 क्वार्टर्स में कंपनी ने सेल्स को डबल कर दिया। 5 क्वार्टर में कंपनी की सेल्स डबल, 100% ग्रोथ इन 5 क्वार्टर्स। नेक्स्ट पार्ट पर चलते हैं, नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं सीधा अपने यहां पर कंपनी का प्रॉफिट क्या निकल कर हाथ में आ रहा है, 10 करोड़ ऑलमोस्ट 12 13.42 14 17, यहां पर 70% ग्रोथ दिखाई दी मुझे कंपनी के पैट में, टैक्स, इंटरेस्ट, एक्सपेंसेस सब कुछ करने के बाद, तो पैट तो बहुत अच्छा ग्रो होता हुआ दिखाई दे रहा है, EPS भी ऊपर जा रहा है और यहाँ पर मुझे रेवेन्यू भी ऊपर अच्छा खासा जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फंडामेंटल्स क्वार्टर में तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। बैलेंस शीट पे एक नज़र मार लेते हैं। बैलेंस शीट में ये मार्च 21 अक्टूबर 21 दोनों पैरेलल हैं, सेम है, क्योंकि ये मार्च 22 नहीं है जो कि आएगी अब। तो 5 5 5, जैसा कि मैंने कहा था कि बहुत छोटी कंपनी है, सिर्फ 5 करोड़ की इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व्स की बात करें 71 96 123 156, ऑलमोस्ट यहां पर भी 4 साल में रिजर्व्स भी कंपनी के डबल
हो गए, सेल्स डबल हुई 5 क्वार्टर में, लास्ट 5 क्वार्टर्स में, लास्ट 4 ईयर्स में कंपनी के रिजर्व्स एक्सपोनेंशियली यहां पर ग्रो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। उससे भी बेस्ट पार्ट, लॉन्ग टर्म डेट, कंपनी के पास लॉन्ग टर्म डेट ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, 0 के आसपास है। ये रीजन था, ये कोरिलेशन था कंपनी के भागने का, कंपनी के ऊपर जाने का। चलो अगर इसका एक समराइज्ड व्यू देखा जाए वीकली चार्ट पर, एक समराइज्ड व्यू देखें यहाँ पर वीकली चार्ट में कि कंपनी किस तरीके से या चार्ट किस तरीके से बिहेव करता है, तो यहाँ पर क्या निकल कर आया वो देखेगा। स्टॉक ऊपर जाता है, कंसोलिडेट होता है, ये देखो ब्रेकआउट, कंसोलिडेट, फिर इसने ब्रेकआउट दिया, वापस से कंसोलिडेट हुआ, वापस से ब्रेकआउट आया, कंसोलिडेशन में चलता रहा। अब फाइनली क्या हुआ वो समझते हैं। देखो यहां पर क्या हुआ, स्टॉक में ब्रेकआउट तो आया ही आया, जैसे कि ये लास्ट रेजिस्टेंस था, यहां पर इस वीकली कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, स्टॉक वापस से गया रीटेस्ट करने सपोर्टिव जोन के ऑलमोस्ट 78-60% के आसपास, सपोर्टिव जोन से रीटेस्ट करने के बाद वापस से ब्रेकआउट दे दिया, वापस से मोमेंटम कैरी हो गया। अब चाहे तो इसको एक बड़े व्यू पर, बड़े विजन पे फ्लैग बोल सकते हैं, कुछ इस तरह स्टॉक यहां तक गया, फिर वापस से ऑलमोस्ट यहां से स्टॉक दो क्वार्टर के लिए या 6 मंथ्स के लिए डाउन द लाइन स्टॉक कंसोलिडेट होता रहा। अब जाकर इस रेंज से बाहर निकला है, ऑलमोस्ट 300 से लेकर 420 के आसपास, 430 के आसपास की रेंज है। इस रेंज में अब जाकर मोमेंटम आया है, फ्लैग ब्रेकआउट आया है, दैट टू ऑन अ वीकली चार्ट, वो भी तब जब हम लोगों ने इसके फंडामेंटल्स ग्रोथ में देखे कि फंडामेंटल्स किस तरीके से काम कर रहे हैं। चलो क्विकली लेवल्स की बात करें तो यहां पर इस सपोर्टिव लाइन को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं ताकि हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा छोटा हो जाए। इससे क्या होगा, हमारा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा, रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल हो जाएगा। तो स्टॉप चल रहा है 459 के आसपास, स्टॉप लॉस जाएगा कुछ इस ट्रेंड लाइन के नीचे, कुछ इस तरह समथिंग अराउंड 317 के आसपास। जल्दी से बात कर लेते हैं टारगेट की, फ्लैग की लेंथ तो बहुत अच्छी नजर आ रही है, तो यहां पर जो पहला टारगेट निकल कर आएगा वो आएगा 676 के आसपास, दूसरा टारगेट जो निकल कर आएगा वो आएगा 784 के आसपास। फीबो और गैन से आप टारगेट निकाल सकते हो, मैंने जो टारगेट निकाले वो गैन नंबर से टारगेट निकाले। यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड काफी अच्छा लग रहा है, फंडामेंटल्स भी काफी अच्छे लग रहे हैं, ग्रोथ तो हम लोगों ने देख ली किस तरीके से क्वार्टर रिजल्ट और बैलेंस शीट में नजर आ रही है। ये थे क्विक एनालिसिस विद स्पेशलिटी के, प्योर प्राइस एक्शन एनालिसिस विदाउट एनी इंडिकेटर। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लॉट्स ऑफ लव।